हाय गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल लर्निंग टर्मिनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट निफ्ट एमएफएम। एज यू नो, एमएफएम मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट इज़ अ कोर्स प्रोवाइडेड बाय निफ्ट कॉलेज। निफ्ट यू ऑल मस्ट नो दैट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड मैनेजमेंट। सो यार देखो, बेसिकली दिस इज़ नॉट एन एमबीए कोर्स, इट इज़ एन मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट कोर्स, सो इज़ अ मास्टर कोर्स। तो इस वीडियो में हम एक ओवरऑल आइडिया लेंगे इन सब चीज़ों का कि एडमिशन कैसे होते हैं, फ़ी क्या है, प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है, क्या सीन है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ठीक है। सो एक ओवरव्यू, ओवरऑल जो एमएफएम का एक ओवरव्यू हमको चाहिए, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको इन सब टॉपिक पे कोई डिटेल डिस्कशन या फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इन सब चीज़ों में से किसी चीज़ पे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक ओवरव्यू बस देता हूँ आपको कि हाँ बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एडमिशन का बेसिकली क्या प्रोसीजर है, सो एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म आपका बेसिकली आता है अक्टूबर लास्ट में, और आपका जो पेपर होगा वो होगा आपके मिड जनवरी में समवेयर, ठीक है। सो मिड जन समवेयर आपका पेपर होगा, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2021 के, ठीक है। 2020 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम हो चुके, ठीक है। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका रिटेन होगा, रिटेन 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका रिटेन होगा, इसमें आपके गेट के 70% होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट और GDPI के आपके 30% होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली एक वेटेज होता है, तो ये 70% जो है ये 150 मार्क्स का होता है, और फिर 30 मार्क्स का और वॉट एवर दे विल डिसाइड, या फिर ये 30 को 50 में कन्वर्ट करके दे विल टेक सम GDPI, और ओवरऑल आपका जो मार्क्स बनेगा, जो परसेंटेज बनेगा, उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सो आप रिटेन भी दोगे, आप GD भी दोगे, आप PI भी दोगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आपका रिटेन नहीं हुआ तो आप GDPI नहीं दोगे, नो। जो भी स्टूडेंट रिटेन का फॉर्म भरेंगे उनको GD एंड PI देना पड़ेगा, और एक ओवरऑल मार्क्स के बेसिस पे जो है आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। अब आप अपने सिलेबस की बात करो, तो सिलेबस आपका जो पेपर होगा, आपके पेपर को बेसिकली 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 5 सेक्शन आपके कौन कौन हो जाएंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है, ये बेसिकली आपका मैथ्स हो गया, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपके 10 क्वेश्चन इसके रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ले लो इंग्लिश एबिलिटी, आपके वर्बल का जो सेक्शन होता है, इंग्लिश एबिलिटी एंड कम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस। इसके बाद आपके एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी हो गए, जिसको हम रीजनिंग समझ लो एक तरह से, रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में आपके होते हैं 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस एंड GK होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स और जीके मेनली आपका फैशन ओरिएंटेड ही होता है, ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवर्टीजमेंट्स एंड दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक आपके लिए कह सकते हो, केस स्टडी होता है, ये केस स्टडी आपका 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये केस स्टडी बेसिकली आपका RC जैसा ही होता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन जैसा आप पढ़ते हो, लेकिन ये करंट सिचुएशंस के ऊपर होते हैं, कुछ करंट केसेस आपका होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ी, तो ये देखो फ़ी इसका समवेयर अराउंड 3.5 to 4 lakhs जाता है, ठीक है, आपके कंप्लीट 2 years के लिए। सो इट इज़ अ 2 years कोर्स, आपका जो फ़ी है इतना जाएगा, आपका टोटल जो ट्यूशन फ़ी है इन एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी, इसमें आपका हॉस्टल फ़ी नहीं होगा, हॉस्टल फ़ी इसमें नहीं होगा, ठीक है। हॉस्टल फ़ी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, या तो आप हॉस्टल ले भी सकते हो, या फिर आप कहीं और बाहर भी रह सकते हो, कंपलसरी नहीं है MFM में आपको हॉस्टल लेना, ठीक है। तो आप बाहर भी हॉस्टल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर आपको महंगा पड़ता है, या फिर आपके रिलेटिव हैं, या फिर आप खुद वहाँ रहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको प्लेसमेंट की बात करें, तो देखो यार ये MBA नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपको क्या प्लेसमेंट होती है, कैसे होती है, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो इट इज़ नॉट एन MBA कोर्स कि आप IIM जैसे प्लेसमेंट आप इसमें एक्सपेक्ट करो, ठीक है। तो इतने प्लेसमेंट आपके नहीं होते, बट हाँ डिसेंट से प्लेसमेंट होती है, और प्लेसमेंट के नंबर्स हाई होते हैं, नो डाउट, नंबर जो होते हैं हाई प्लेसमेंट जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो निफ्ट में पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि निफ्ट में जो है आपको जो गाइडेंस मिलती है ना आपके प्लेसमेंट के लिए, वो बहुत सॉलिड गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्लेसमेंट अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपका प्लेसमेंट बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा।
इसके बाद आप बात करो कि हाँ ROI की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जैक्ट जो मैंने आपको सिलेबस बताया इसका क्या ब्रेकअप है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका कैसा एग्ज़ाम होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है डिटेल में, आपको प्लेसमेंट्स के बारे में जानने हैं, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने हैं, तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशंस या फिर कोई टिप्स या फिर कुछ भी, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको MFM यानी मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट के लिए है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टिल देन हैप्पी लर्निंग।